वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए कुछ खास लेके आया हूँ ये ब्लॉग। ना मैं कोई ट्रैवल कर रहा हूँ, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ गूगल एडसेंस के बारे में। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा, सारे जो भी चीजें वो सब बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि मैंने भी कई सारे वीडियोज देखे, कई तो मुझे समझ में आए नहीं, लेकिन अब मेरे को जो समझ में आ गया क्योंकि मैंने भी सब चीजें कर ली है। मेरे पास आ गया गूगल एडसेंस का लेटर जिसमें पिन होता है, तो हम उसे भी वेरीफाई करेंगे आप सभी के सामने। कैमरे पे वेरीफाई करूंगा और कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे वेरिफिकेशन होता है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन हो या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन, जो भी होता है आज एक छोटे से ब्लॉग में ही मैं आप सबको सब चीजें बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं कोई भी बेसिक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ आप सभी को, वो सब आपको पता है कि मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए 4000 घंटे और वो सब लगता है। वो सब हो जाने के बाद आपका जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है तो $10 हो जाते हैं जब आपके अकाउंट में कलेक्ट, तो आपको एक अलर्ट आता है, एक एक्शन बटन नज़र आता है आपकी जब भी एडसेंस का अकाउंट खोलते हैं। तो ईमेल भी आ जाता है कि भाई आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना है एडसेंस के लिए, तभी आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो पाएगा और फ्यूचर पेमेंट्स आप कलेक्ट कर पाएंगे। अब उसमें क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट आईडी लगाना पड़ती है, जैसे पैन कार्ड हो गया, अपना वोटर आईडी कार्ड हो गया और भी 2-3 चीज़ें। अब इसमें क्या आपको फोकस करना है, जो गवर्नमेंट आईडी आप लगाने वाले हैं, सबसे पहली बात तो आपको 18 साल का होना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है कि उसके पहले तो पैन कार्ड और वोटर आईडी बनेगा नहीं। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स का लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको जो अपना जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक पेज खुलता है जिसमें नीचे ऐड इमेज करने का होता है और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर रहे हो। वहाँ पर ऊपर की साइड एक ऑप्शन होता है एडिट का, वहाँ पर आपका एड्रेस और नाम लिखा होता है, तो जो आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मम्मी का अप्लाई कर रहे हो, तो मम्मी का नाम वहाँ पर जो भी अपनी गवर्नमेंट आईडी में नाम है वो आपको वहाँ पर नाम डालना है, और आगे एड्रेस वो डालना है जो गवर्नमेंट आईडी के अंदर एड्रेस है, सेम टू सेम वैसा ही डालिए। सब कुछ आप सही करेंगे तो आपका, मेरा तो आधे घंटे के अंदर अप्रूव हो गया था, आपका हो सकता है कि हो जाए एक आधा घंटे में हो जाए या फिर 1-2 दिन भी लग सकते हैं। अगर आप गलत एड्रेस डाल देंगे, गलत नाम डाल देंगे, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक करेंगे, तो वो 2 दिन बाद रिजेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे में आपको 3 मौके मिलते हैं, 3 मौके के बाद फिर मौका नहीं मिलता है, तो उसका अलग झंझट होता है, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैंने करा नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपका जो भी एड्रेस है और जो भी नाम है वो बिल्कुल अच्छे से डले। दूसरी बात, यहाँ पर अब जब आईडी का फोटो डालेंगे, गवर्नमेंट आईडी का, जैसे पैन कार्ड का फोटो डालेंगे, तो पैन कार्ड का जब आप फोटो डालेंगे तो जो चारों कॉर्नर्स है वो अच्छे से नज़र आना चाहिए, इमेज जो है ब्लर नहीं होना चाहिए, इमेज पे जो लाइट नहीं होना चाहिए, आप फोटो खींचते तो कभी कभी होगा फ्लैश दिखता है बीच में, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा एक फ़ोटो खींचिए जिसमें सब चीज़ें अच्छे से दिख रही हों, सिंपल सा फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। ये सब हो जाने के बाद आपने ये अप्लाई कर दिया, आपका आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है जो गवर्नमेंट आईडी से होता है, वो हो गया। उसके बाद आपको एक ईमेल आता है, एक अलर्ट आता है कि आपके जो एड्रेस आपने डाला है उस पर हम लोगों ने एक मेल किया, एक एनवलप, तो ये इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको यहाँ से मैं क्लियर करूँगा बाद में जब मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पर एक पिन होता है, अंदर एक पिन लिखा होता है, वो आपको अपने एडसेंस अकाउंट में जाकर डालना होता है। तो अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैं इसको खोल लेता हूँ पहले, तो इसको खोलना बड़ा ही आसान है, ऐसे खुल जाता है ये, जैसे पूरी तरीके से खुल जाता है, अंदर होता है ये चीज़ जो होता है पिन, तो आपको मुझे मालूम नहीं सीधा दिख रहा होगा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये पिन है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए, आपने ये खोल लिया है अपना क्रोम, अब इसके अंदर आपको जाना है एडसेंस अकाउंट में, तो आपका एडसेंस अकाउंट खोल लेंगे, तो आपको एडसेंस अकाउंट में जाने के बाद आपको यहां पर जाना है होम स्क्रीन पर। आप होम स्क्रीन पर जाने के बाद अब देखिए यहां पर आपको नीचे की साइड एक ये वाला फीचर जो खुलेगा, यहाँ पर लिखा है वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, तो हमारे बिलिंग एड्रेस पे जो हमने एड्रेस लगाया था उस पर हमको ये लेटर मिल गया है। इसके अंदर जो है ये है पिन हमारा, तो ये पिन हमको डालना है यहाँ पर, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे, अब हमारा जो पिन है वो यहाँ पर डालना है,
तो यहाँ पर हमने हमारा पिन डाल दिया है 6060। अब हम कर देंगे इसको सबमिट। सबमिट होने के बाद यहाँ पर उसी टाइम आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर अब सब चीज़ें हो गई है कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जाना है, मतलब इसका जो लास्ट प्रोसेस होता है वो यहाँ पर होता है, आपको जाना है पेमेंट्स में। और पेमेंट्स में जाने के बाद आपको करना होता है जो पेमेंट मेथड, आप कैसे आपको पैसा चाहिए वो आपको करना होता है। तो उसके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाउ टू गेट पेड, तो यहाँ पर आप डालेंगे ऐड पेमेंट मेथड तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा चीज़ें। तो बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको कभी भी पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल, देखिए आप जब भी यूट्यूब चालू करते हैं, मैं एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ, जैसे मेरी लाइफ में क्या हुआ है, यूट्यूब मैंने क्यों स्टार्ट किया, किस कारण से स्टार्ट किया और मेरा गोल क्या है। देखिए मुझे क्या है कि मुझे पब्लिक टॉपिक्स बड़े पसंद है, मैं उस पर बात करना बहुत पसंद है, डिबेट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल बनाया और मैं अपनी बातें रखता हूँ सामने, मोटिवेशनल कंटेंट बनाता हूँ पब्लिक टॉपिक्स पर और जो भी देश में टॉपिक चल रहा है उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। आप कभी भी ये सोचकर YouTube चैनल चालू मत करो कि मुझे पैसे कमाने, अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे पैसे कमाने तो YouTube चैनल कभी भी नहीं चलेगा। और अगर आपको चल भी गया और अगर आपको कुछ भी चीज़ें ऊपर, देखिए YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रोज़ चीज़ें ऊपर नीचे होती है, बहुत मोरल डाउन होता है, मेरा बहुत बार हुआ है, मुझे मालूम है कैसा लगता है। तो कभी भी आप ये सोचकर YouTube चैनल चालू मत करो कि मुझे पैसा कमाना है, ये चालू करो कि भाई मुझे अपनी जो टैलेंट है मेरे अंदर वो मुझे दुनिया को दिखाना है। ऐसे में क्या होगा, कुछ भी फेलियर होता है ना तो आपको दिल से हर्ट नहीं होता। अगर आप सोचेंगे पैसे कमाना है तो क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो पैसे की तरफ ही जाएगा, और कुछ भी उठर पुठर होता है ना, ऊपर नीचे होता है, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी रात भर। तो एक छोटी सी टिप यही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, बाकी तो क्या ही है ज़िंदगी में, सब कुछ कुछ ना कुछ कर ही लेते लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। जो भी ऐसा बोलता है वो चूतिया है इंसान, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला, जो सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन मुझे इंडिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं और मैसेजेस करते हैं अलग अलग जगहों से, जितना फ्रेंड्स और फैमिली वाले लोग नहीं पूछते उससे ज़्यादा मुझे मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो पूछते हैं। तो जब आप काम करो तो दिल लगा के काम करो, अपने पैशन को फॉलो करो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी तो फिलहाल के वीडियो में इतना। ये जो चैनल है मेरा सेकंड चैनल, ये मैंने व्लॉगिंग के लिए और जो अलग टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर रखा है कि मैं इस पर व्लॉगिंग करूँगा, डेकोर जो मैंने अपना घर वगैरह करवाया है वो भी मैंने डाला है, तो ये चैनल उसी के लिए है। अगर कोई कवर होता है या कोई म्यूज़िक वीडियो होता है तो उसके लिए चैनल मैंने बनाया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मेरा जो मेन चैनल है जिसमें मैंने अभी एडसन अकाउंट जो है मैंने वेरीफाई किया, वो है कार्तिक दुबे लाइव। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस चीज़ की, चैनल की, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब करें, आप देख सकते हैं एक बार, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, आप सभी क्या पसंद करेंगे देखना इस चैनल पे, साथ ही वो वाले चैनल पे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई हो, कोई भी मदद मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक एक शेयर और एक सब्सक्राइब बहुत सुकून देता है हम सभी को, सारे क्रिएटर्स को। बाकी तो इन्जॉय कीजिए लाइफ को, मज़े कीजिए, ज़्यादा टेंशन लिए मत, और तो मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल तो इतना ही, बाद में अगले मिलते हैं किसी ऐसे ही कमाल के व्लॉग में। बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।